ज़्यादा तेज़ है और इतना ज़्यादा धूप है कि अभी छाँव में बैठने को मिल गया यहाँ पर, तो अच्छा है। थोड़ा सा खतरनाक है यहाँ पर, कुछ दिखता ही नहीं है, इसलिए इसको आराम से पार करना पड़ता है। और यहाँ सभी लोग नहा वहाँ के आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आज तो छुट्टी तो नहीं है वैसे। वेलकम बैक, आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम लोग अभी जा रहे हैं खरसिया। हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अभी साथ में था, वो अभी घर वापस गया है, कुछ सामान भूल गया था, तो वो भी बाइक में है FZS में, क्योंकि वो उसको बनवाना पड़ेगा बाइक को, तो इसलिए वो लेके जा रहा है और मैं राशन लेने के लिए जा रहा हूँ। और पिछले बार वीडियो में बोला गया था कि राशन कितने का होता है वो बताते नहीं हैं आप, और क्या क्या खरीदे वो भी नहीं दिखाए, तो इस बार दिखाऊंगा कि क्या सामान लिया जाता है और क्या क्या सामान का कितना रुपया होता है और कितना टोटल खर्चा लगभग हो जाता है मंथली, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर चलते हैं बिना किसी देरी के। जी भाई साहब, तो पहुँच गए अभी खरसिया हम लोग, और अभी थोड़ा सुबह सुबह है तो इसलिए माहौल थोड़ा कम है और अभी थोड़े बहुत लोग दिखेंगे, क्योंकि अभी सुबह है और सुबह इसलिए आए हैं जल्दी क्योंकि जल्दी राशन मिल जाता है। तो यहाँ पर भाई ये सॉकअप का वर्क करवा रहा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, एक तरफ उसका लीक कर रहा था तो ऑयल गिर रहा था वो सॉकअप से, तो उसको अभी चेंज करवा रहा है। और मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, भाई गया है डबल एस को लेकर, उसका जो ब्रेक वायर था उसको चेंज करवाने के लिए दूसरे जगह पे। तो देखो कितना टाइम होता है, वैसे सामान तो ले लिया हूँ मैंने, देखिए इतना सारा ये बोरू में है और इस बैग में है। अब सब्जी लेना है बस, फिर उसके बाद घर जाएंगे, वो वाला बाइक लेके आ जाए भाई। फिर ज़्यादा तेज़ है और इतना ज़्यादा धूप है कि अभी छाँव में बैठने को मिल गया यहाँ पर, तो अच्छा है, नहीं तो काले पड़ जाएंगे, इतना ज़्यादा धूप पड़ रहा है। निकल चुका हूँ खरसिया से और उस तरफ से आकर दवाई भी ले लिया बाबू का। अब सीधा मिलते हैं आपको घर पर और आपको दिखाता हूँ कि कितना सामान और लिए हैं हम लोग और कितना लगभग खर्चा हो जाता है एक महीने के राशन में। पहले मैं घर पहुँचने वाला हूँ और मौसम काफ़ी अच्छा है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है, हालत खराब हो जा रही है। तो अभी बनवाए हैं, ये दूध पाउडर है, बिस्किट्स और इसमें भरा हुआ, तो इतना सारा भी राशन का है, इस बार कम है और ना ज़्यादा ही रहता है इससे। ये देखिए ये बड़ा वाला डिब्बा, ये शक्कर, ये नॉर्मल और तेल वेल, अभी हम लोग पूरा टीपा ही उठा लाते हैं तो उसका भी नहीं है, तो इतना सारा होता है भाई। तो लगभग 5,000 का सामान आता है राशन का हमारे यहाँ। मैं अभी पहुँच गया हूँ और जैसा कि आपने देखा कि 5-6,000 का समथिंग का राशन रहता है और जो ग्रॉसरी सिर्फ रहती है, और उसके बाद 5-6,000 रुपये का मेडिसिंस होते हैं जो पापा और बाबू के लिए इस बार है, तो बाबू कब दोनों को मिला के 5-6,000 के समथिंग का होता है, और बाकी एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है इधर का 1-2 हज़ार, तो वैसा मोटा मोटा मान के चलिए से 12 से लेकर 15 के बीच में हम लोग का राशन सामान और सारे महीने भर के खर्च आ जाते हैं। टाइम 12:40, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको ऐसे किसी नए वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू।